अजमेर के किशनगंज थाना इलाके में एक बार फिर चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। दो बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला सुशीला के गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ दी। इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। वह कुछ कर पाती इससे पहले ही दोनों बदमाश फरार हो गए। मामले की सूचना पीड़िता सुशीला देवी ने किशनगंज थाना पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी चार चेन स्नेचिंग की वारदात किशनगंज थाना इलाके में हुई। पुलिस ने चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी चेन स्नेचिंग की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। और 9:15 रात की बजी थी करीब, तो दो जने आए और मेरे ऐसा झटका मारा तो एकदम से मेरा ब्लाउज भी फट गया और थोड़ी देर में देखा तो चैन ही नहीं थी। 1.25 तोले के आसपास थी। ऐसे ऐसे तो मेरे को कोई वो पूरा नहीं होता है। नहीं, मैं तो आवाज़ ही नहीं निकली भैया, कोई भी नहीं था उस टाइम। जावेद हेयर कटिंग सैलून है करके, यहाँ पीछे पार्लर है शायद, वो पता नहीं क्या है, तो बस वहीं।